उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नगर पालिका अध्यक्ष किताबुन्निसा द्वारा बलरामपुर नगर पालिका परिषद के प्रांगण में मुहर्रम पर्व को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सैयद अहमद रजा, विशिष्ट अतिथि मुफ्ती अब्दुल सलाम अब्दुल रहीम, मुशाहिदी मास्टर मोहम्मद हसन, हाफिज अंसार मौलाना अब्दुल जब्बार, सीओ सिटी नगर बलरामपुर, प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली बलरामपुर, तहसीलदार नगर बलरामपुर पालिका, अधिवक्ता राधेश्याम मिश्रा को अध्यक्ष, प्रतिनिधि शवाना अली एवं पालिका सभासद को डॉक्टर देवेंद्र अधिशाषी अधिकारी द्वारा माल्यार्पण कर मसाफा भेंट कर स्वागत किया गया। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शवाना अली द्वारा बताया गया, नगर पालिका बलरामपुर की ये परंपरा रही है कि सभी धर्मों के पर्व में कमेटी के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे सुझाव प्राप्त कर बेहतर साफ सफाई, पत्र प्रकाश, साफ पानी जैसी जरूरी चीजों को बेहतर ढंग सुविधा प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में मुहर्रम पर्व पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। ताजियादारों आलमदारों के पदाधिकारियों के सुझाव के अनुसार मुहर्रम पर्व पर साफ पेयजल पथ प्रकाश की सुविधा नगर पालिका परिषद द्वारा बेहतर ढंग से कराया जाएगा। जुलूस मार्ग इमाम चबूतरे के पास सफाई कराकर चूने का छिड़काव कराने का पूर्व से ही संबंधित को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। क्रम में सहभागी होने वाले लोग हम पुलिस प्रशासन की तरफ से वो बातें बताएंगे कि जो आपको नहीं करना है, जो करना है वो चेयरमैन साहब बताएंगे, ईओ साहब बताएंगे, हम लोग तो वो बताते हैं जो नहीं करना है। जो नहीं करना है उसमें ये है कि कोई भी ऐसा कार्य। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।